नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग अपने फोन से कॉल करते हो किसी को भी, तो आपने देखा होगा कभी कभी आपको वीडियो कॉल का ऑप्शन आ जाता होगा, बट कभी कभी आपको वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं दिख रहा होता है। तो आपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, ये आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जैसे कि अभी आपने देखा होगा यहाँ पर हमें कहीं पर भी वीडियो कॉल का ऑप्शन हमें नहीं शो कर रहा था। तो अभी हम वीडियो कॉल का ऑप्शन कैसे इनेबल करेंगे ये आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना है कि यहाँ पर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना है, एक एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना अपने फोन में। ऐप को डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हो, ऐप कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब आपको अपना यहाँ पर वो सिम कार्ड सिलेक्ट करना है जिससे आप कॉल कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप अपना ये सिम कार्ड सिलेक्ट करते हो, उसके बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपको यहाँ पर प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का मिलता है, इस पर क्लिक करके इसको आपको 4G सिलेक्ट करना है। 4G सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो वोल्ट वाला ऑप्शन है इसको भी इनेबल कर लेना है, और ये वीडियो कॉल वाला ऑप्शन भी आपको इनेबल कर लेना है। यहाँ पर सारी सेटिंग्स कुछ इस तरीके से आपको इनेबल कर लेनी है। इनेबल करने के बाद अब चलिए यहाँ पर हम दोबारा से आ जाते हैं अपने डायलर में, और अभी यहाँ पर जब मैं कॉल करूँगा तो मेरे को वीडियो कॉल का ऑप्शन आ जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर मेरी आवाज़ रिकॉर्ड ना हो, बट यहाँ पर इस इमोजी के जरिए आपको मैं समझाता रहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो कॉल का ऑप्शन आ चुका है। तो अभी चलिए यहाँ पर मैं इस पर कॉल कर देता हूँ। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि पहले यहाँ पर हमें वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन अभी हमें वीडियो कॉल का ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अपने फोन में वीडियो कॉल का ऑप्शन ला सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो।